नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पीएम किसान योजना में मंत्रा डिवाइस से जो ईकेवाईसी में एरर आ रही है उसका सॉल्यूशन बताएंगे। आपको जो कोड प्लग के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और मुफ्त में ही मंत्रा डिवाइस का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। लेकिन वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि कोई स्टेप स्किप करने से आपको एरर आ सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करें और हेल्प में जाएं। हेल्प में जाके अबाउट गूगल क्रोम पर क्लिक करें। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर दे, अगर अपडेट है तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम नीचे एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्क्रोल डाउन को थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ पे आपको रीसेट एंड क्लीन अप बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है रिस्टोर सेटिंग देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे रीसेट क्रोम सेटिंग एंड क्रोम शॉर्टकट्स, डिसेबल एक्सटेंशन, डिलीट कुकीज एंड अदर टेम्पररी साइट डेटा। ये करने से हमारा ब्राउज़र पूरा रीसेट हो जाएगा, हमारे ब्राउज़र की सारी सेटिंग चली जाएगी। तो हमें रीसेट सेटिंग बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से हमारा ब्राउज़र एकदम क्लीन हो गया। अब हम स्क्रॉल बटन को थोड़ा ऊपर करेंगे और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हमारे ब्राउज़र की थोड़ी जो कुकीज और हिस्ट्री है उसे भी क्लियर कर लेंगे। तो हमें एडवांस मोड सिलेक्ट करना है और टाइम रेंज में हमें ऑल टाइम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो सारे ब्लू बटन्स हैं उनमें सारे ब्लू बटन में टिक मार्क लगा देना है और डेटा को क्लीन कर देना है। डेटा को क्लीन करने के बाद ऊपर सर्च में हम क्रोम डबल कॉलन डबल स्लैश फ्लैक्स लिखेंगे। क्रोम फ्लैग लिखने के बाद सर्च में हमें यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, जिसमें लोकल होस्ट डिसेबल होगा उसे हमें एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद रीलॉन्च पर क्लिक कर दे, जिससे ब्राउज़र बंद होके फिर शुरू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल होस्ट एनेबल हो चुका है। ये हमारा ब्राउज़र का सेटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और प्रोग्राम एंड फ्यूचर में जाके मंत्रा डिवाइस के जो ओल्ड ड्राइवर्स हैं उनको लैपटॉप में से रिमूव कर देना है। तो हम यहाँ पे मंत्रा आरडी और ड्राइवर देख सकते हैं, दोनों को रिमूव कर देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ड्राइवर को रिमूव कर रहे हैं। अब मंत्रा की आईडी सर इसको रिमूव करेंगे। आरडी सर्विस भी रिमूव हो चुकी है, तो अब हम क्लोज कर देंगे। मंत्रा ड्राइवर रिमूव करने के बाद हमें फिर से कंप्यूटर में जाना है और सी ड्राइव को ओपन करना है। सी ड्राइव में हमें प्रोग्राम फाइल में जाके मंत्रा का जो फोल्डर है उसे डिलीट कर देना है। फिर मंत्रा के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हम गूगल में मंत्रा ड्राइवर लिखेंगे और सर्च में जो मंत्रा की पहली वेबसाइट है वो हमारे सामने होगी, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम कैप्चा कोड दर्ज कर लेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेंगे। ये मंत्रा की ऑफिशियल साइट है, जिसमें हमें मंत्रा के आरडी सर्विस और ड्राइवर ओरिजिनल मिलेंगे। अब मंत्रा के डैशबोर्ड में आ चुके हैं
और हमें मंत्रा के जो नए ड्राइवर है वो डाउनलोड करने हैं। नीचे डाउनलोड हो रहा है, और हमें मंत्रा की आरडी सीरीज है उसे भी डाउनलोड करना है। तो हम मंत्रा की आरडी सीरीज पे भी क्लिक कर देंगे और उसे भी डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मंत्रा की आरडी सीरीज और ड्राइवर दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम मंत्रा के ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, तो उस पर राइट क्लिक लगाएंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, ये बात ध्यान में रखें और मंत्रा के ड्राइवर को इंस्टॉल कर दें। हमें मंत्रा की आरडी सर्विस और मंत्रा के ड्राइवर दोनों को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही इंस्टॉल करना है। मंत्रा का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब आरडी सर्विस पे हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। मंत्रा की आरडी सर्विस भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है, तो हम कंप्यूटर को अभी रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें मंत्रा में जो एरर आ रही है उसके सॉल्यूशन के लिए हमें मॉर्फो ड्राइवर भी इंस्टॉल करने होंगे सपोर्ट के लिए। तो हम गूगल में मॉर्फो ड्राइवर लिख देंगे और जो पहली वेबसाइट सर्च होके आ रही है उस पर क्लिक कर देंगे, और डाउनलोड के फोल्डर में जाके लास्ट दो लोकल होस्ट वाली और इसके नीचे वाली दोनों आरडी सर्विसेज है उनको डाउनलोड कर लेना है। तो हम डाउस को डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम दोनों आरडी सर्विस को डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हो दोनों आरडी सर्विसेज डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हो दोनों आरडी सर्विस यहाँ पे है। तो हमें सबसे पहले उन दोनों को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो हम उस पर डबल क्लिक कर लेंगे और जो उसका विंडो आरडी का फोल्डर है उसको खींच के साइड में रख देंगे, जिससे एक्सट्रैक्ट होके फोल्डर बाहर आ जाएगा। उसी तरह से हम सेकंड आरडी सर्विसेज को भी ओपन कर लेंगे और उसका फोल्डर भी हम खींच के साइड में रख देंगे, जिससे दोनों फाइलें एक्सट्रैक्ट होके हमारे सामने आ जाएगी। अब आपको लोकल होस्ट वाला फोल्डर ओपन कर लेना है और आरडी सर्विस पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेनी है और नो पे क्लिक करके फिनिश कर देना है। उसी तरह से हमें दूसरी आरडी सर्विस को भी ओपन कर लेना है और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। हमें दोनों आरडी सर्विस मंत्रा के ड्राइवर के सपोर्ट के लिए डालनी है, तो ये ज़रूरी स्टेप है। तो हमने यहाँ पे दोनों आरडी सर्विसेज इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब हमें कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट कर लेना है, तो हम कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट कर लेंगे। आपको दो टाइम कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, फर्स्ट टाइम मंत्रा के ड्राइवर इंस्टॉल के बाद और सेकंड टाइम मोरपो के ड्राइवर के इंस्टॉलेशन के बाद। अब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेंगे और हमें डायरेक्ट पीएम किसान की जो लिंक है उसे ओपन नहीं करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिजिटल सेवा सीएससी की जो साइट है हमारी उसमें लॉगिन कर लेना है। तो हम डिजिटल सेवा में लॉगिन कर लेंगे। डिजिटल सेवा के पोर्टल में हम लॉगिन हो चुके हैं, तो साइड में टैब के बटन में जाके हम पीएम किसान की लिंक को यहाँ पे टाइप करेंगे, xlink.pmkisan.gov.in। हमें ये लिंक डायरेक्ट ओपन नहीं करनी है, डिजिटल सेवा में साइड में लॉगिन कर लेना है, बाद में इस लिंक को ओपन करना है। अब हमें सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है। हम ऑलरेडी लॉगिन है तो डायरेक्ट ही हम पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब हम बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेट के ऑप्शन में जाके कस्टमर का आधार नंबर इमेज कोड डाल के आगे बढ़ेंगे। आपने अगर इस वीडियो में दिखाए सारे स्टेप को क्लियर कर लिया है तो आप मंत्रा का डिवाइस सक्सेसफुली इस पोर्टल में यूज़ कर सकेंगे। आपको मंत्रा की कोई एरर नहीं आएगी। अगर कोई एरर आ रही है तो आधार के सर्वर की वजह से होगी, लेकिन जो मंत्रा की एरर सबको आ रही थी वो आपको यहाँ पे नहीं आएगी। अगर मेरे बताए इस स्टेप से आप सक्सेसफुली ई केवाईसी कर
कर सकते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और दूसरे वीएलई भाइयों को भी शेयर कर दे, क्योंकि CodePlug.in में जाके वो पैसे को खर्च कर रहे हैं वो ना करें और सक्सेसफुली फ्री ऑफ मंत्रा डिवाइस की एरर को सॉल्व कर लें। धन्यवाद।